नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। रुहेलखंड दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अब चलते हैं समाचार की ओर। इस समय पूरा देश धनतेरस पर्व बना रहा है। जगह जगह मार्केट सजी हुई है, बाजार सजा हुआ है, दुकानदार ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह से ही दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया झालरें बिक रही हैं, सुंदर सी घर को सजाने वाले सामान बिक रहे हैं। लेकिन आज धनतेरस का पर्व आप जरूर बनाइएगा, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर कर। हम भारतीय संस्कृति के तहत हमें सुबह उठकर भगवान की पूजा करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर कुछ नई खरीदारी की जाए, जैसे सोना चांदी या कोई नया बर्तन, ये शुभ माना जाता है। तो आप लोग भी जरूर बाजार जाइएगा और धनतेरस खूब धूमधाम के साथ खरीदारी कर कीजिएगा। लेकिन आज जब रुहेलखंड की टीम ने रामपुर की सड़कों पर खूब बाजार सजा हुआ देखा, तो हमारे रिपोर्टर अवधेश शर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए। जरा देखिए अवधेश शर्मा की ये रिपोर्ट। जो है पूरे भारतवर्ष में धनतेरस का त्यौहार बड़ी जोर जोर से मनाया जा रहा है। 2 दिन बाद दीपावली है, इसी को लेकर सभी दुकानों पर आज से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिठाई की एक दुकान पर हम आपको लेकर चलते हैं, जहां पर जो यहां के दुकान पर जो है अभी से सुबह से ही जो है तैयारियां शुरू कर दी। अभी 10 बजे हैं और दुकानों पर जो है सजने का काम मिठाइयों का शुरू हो गया है। और आपको मैं लेकर चलता हूँ कि इस बार जो है यहाँ पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं। एक दुकान है यहाँ पर, उस पर आपका हम लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर इस बार जो है वैरायटी बनाई गई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। अच्छा, क्या इस बार तैयारी की जा रही है धनतेरस और दिवाली को लेकर? आज धनतेरस का त्यौहार है और आज त्यौहार में हमने काफ़ी गिफ्ट मिठाइयाँ और ब्रांडेड मिठाइयाँ और गिफ्ट लगा रहे हैं, दुकान हम बना रहे हैं। और आज भैया दूज का धनतेरस का त्यौहार अच्छा जाने की उम्मीद है, तो बाजार में रौनक है। ब्रांडेड मिठाइयों के बारे में मिठाइयाँ आप सजा रहे हैं, जैसे अपना पर्सनल जैसे दूध की खोए की मिठाई होती है, उसमें काफ़ी मिलावट की जो है बात आती है कि दिवाली और होली पर जो है काफ़ी मिलावट की जाती है, आपको किस तरह का मावा जो है किस तरह का इस्तेमाल करते हैं आपकी मिठाई अपनी मिठाई? हम जो है अपने यहाँ जो है शुद्ध दूध का अपना मावा बनवाते हैं और अपनी मावे की ही मिठाई बनाते हैं। हमारे यहाँ जो है देसी घी की शुद्ध मिठाइयाँ और अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। अरे, कौन कौन सी मिठाइयाँ जो है इस बार जो है दीपावली को लेकर तैयार की गई, एक बार आप हमें बताएं कि कौन कौन? हमारे यहाँ इस बार डोडा बर्फी, काजू रोल, केसर रोल और पंजीरी और हफ्सी हलवा और रस मलाई आदि मिठाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो मिठाई है वो आपकी कौन सी बिक्री में है, जो सबसे ज़्यादा बिकती? हमारे इस बार जो मिठाइयाँ हैं सबसे ज़्यादा काजू बर्फी, काजू रोल, पंजीरी और हफ्सी हलवा ज़्यादा बिकता है। तो आप देख रहे थे कि जो है रामपुर में जो है मिठाइयों को लेकर अपनी जो है काफ़ी तैयारियां हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और जो है काफ़ी जो है अच्छी तरीके से मनाने के लिए सुबह से ही दुकानों पर जो है सजावट जो है शुरू हो गई है। आज धनतेरस का त्यौहार है और दीपावली में अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन दुकानों पर जो है अभी से ही जगमगाहट आपको साफ नज़र आने लगी है। सुबह से ही, अभी 10 बजे हैं सुबह के और आप देख रहे हैं मेरे पीछे दुकानों पर जो है कितनी सजावट, कितनी लाइटिंग आपको नज़र आ रही है। आइए ऐसी ही एक दुकान में हम आपको लेकर चलते हैं कि इस बार जो है दीपावली पर लाइट को लेकर जो है जो झालरें हैं वो किस तरह की नई झालरें जो है मार्केट में आई हैं और कौन कौन सी जो है नई झालरें हैं जिनको जो है लोग बाग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो मुकेश भारद्वाज, तैयारियां अच्छी चल रही हैं। हाँ, कई तरीके की झालर नई नई आई है, एक ही आई है 9 mm में नई झालर है। इसका 150 रुपये प्राइस है। अच्छा, इस बार जो है कुछ सुनने में आ रहा है कि क्रिकेट वाली भी झालर है जो पटाखे जैसी आवाज। हाँ, पटाखे वाली झालर है, ये जो झालर है पटाखा झालर है। हाँ, बजा कर जी 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 देखिए आप देख रहे हैं कि इस बार जो है दीपावली पर जो है अलग ही आनंद आने वाला है। लोगों को मार्केट से जो है पटाखे खरीदने की जरूरत नहीं है,
अपने आप में ही जो है झालरों में ही इस तरह का जो है व्यवस्था की गई है कि आपको पटाखों की आवाज़ जो है उन्हीं झालरों से साफ नज़र आया है। इससे जो है एक तो पोल्यूशन में जो है पोल्यूशन नहीं होगा, जो धुआं वगैरह होता है वो नहीं होगा, और आपको जो पटाखों की आवाज़ है पटर पटर की वो आपको जो है साफ जो है सुनने को मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।